Hello everyone, welcome back to my channel Self Love with Pragya. So in today's video, I'm going to recreate Kriti Sana's this look. So this is the look I have recreated, and it is having that bold, dramatic blue purplish eye look in it. काफी ज़्यादा bold and you know थोड़ा different kind of look है ये. मैंने सोचा चलो इसको भी try कर लेते हैं. वैसे तो कृति सानन बहुत ही ज़्यादा hot and sexy लग रही थी. आप मुझे बताना कि ये look मैं recreate कर पाई हूँ या नहीं. And अगर आपको जानना है कि मैंने ये look कैसे achieve किया, तो ज़्यादा बकबक ना करके चलो video को देखते हैं. So I don't have that beautiful blue dress that she is wearing, but I'm going to manage it with this one only. So before that, if you're new to my channel, then you know what you have to do. Subscribe to my channel and help me to grow more and more. And if you like this video, then please like and comment on your feedback. So without much delay, let's move on to our video. तो बाकी सब वीडियो के जैसे मैं फिर से आ गई हूँ मेरे स्किन केयर रिजीम के साथ, और अभी मैं सबसे पहले लगाऊंगी टोनर. I dropped it. दी मॉम्स को की तरफ से ये ग्रीन टी टोनर है, एंड ये काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है. पिंपल प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, देन डेफिनेटली यू शुड अप्लाई दिस. मैं इसको बहुत दिनों से लगा रही हूँ, और मेरी पिंपल के टाइम में भी मैंने इसी को लगाया था, एंड इट्स अमेजिंग. इट कंट्रोल्स द ऑयल एंड इट इज वेरी वेरी हाइड्रेटिंग एज वेल. नेक्स्ट आई एम यूजिंग माई लिप बाम, एंड हियर आई एम यूजिंग माई ग्लैम का लिप बाम. इसको मैं बहुत दिनों से ट्राई करना चाहती थी, और फाइनली मैं इसको ट्राई करूंगी. नाउ मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसी एंटी एक्ने जेल का रिव्यू किया था, सो आज मैं इसको अप्लाई करूंगी मेरे मेकअप के नीचे, एंड लेट्स सी हाउ इट्स गोना वर्क अंडर मेकअप. सी मैंने इसको इतना यूज़ किया है कि ये खाली हो चुका है पूरा का पूरा. पता नहीं, मेरे को लग रहा है मैं खाली डब्बा दिखा रही हूँ आप लोगों को, बट है, इसमें है, अभी भी है, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ. नाउ मैं इसके ऊपर मॉइस्चराइजर भी लगा रही हूँ. ये मॉइस्चराइजर है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर. मैं इसको इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा यू नो प्रोटेक्शन चाहिए होता है मेकअप करने से पहले, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है एंड पिंपल प्रोन है. तो अगर आपकी भी स्किन सेंसिटिव या फिर पिंपल प्रोन है, और आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते हो, या फिर आपको मेकअप करना पड़ता है, तो फिर आप स्किन केयर को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, आपको पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं होंगे. नाउ इट्स टाइम टू ग्रो माई आईब्रोज. सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल, जो कि है इन द शेड ग्रे. फटाफट से हम अपने गैप्स को जो है फिल कर लेंगे. तो इट्स डन. नाउ आई एम गोइंग टू यू नो डू माई आई वर्क फर्स्ट, एंड सो फॉर दैट आई नीड अ कंसीलर. तो मैं अपनी आँखों को कंसील करूँगी सबसे पहले, आई मीन आई लीड्स को, आँखों को नहीं. यू नो वॉट, मैं यहाँ पे एन वाई बी का कंसीलर यूज़ कर रही थी, एंड सर्टेनली ये हो ही नहीं रहा था, मतलब कंसील नहीं हो रहा था अच्छे से. तो फिर मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया. एक्चुअली मैं कभी भी एन वाई बी के कंसीलर को फाउंडेशन के मतलब फाउंडेशन ना लगाकर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया अपने आईज पे. तो इस टाइम में मैंने वही किया है, मतलब फाउंडेशन को यूज़ नहीं करके सिर्फ कंसील किया था, तो वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मुझे फिर से यू नो फाउंडेशन लगाना पड़ा. नाउ आई विल ब्लेंड इट विद अ ब्लेंडिंग ब्रश. अभी अपने आई बेस को सेट करने के लिए हमें चाहिए होगा ट्रांसलूसेंट पाउडर. आप कोई भी ब्रांड का ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हो. मेरे पास यहाँ पे है स्टिक वर्की का ट्रांसलूसेंट पाउडर, एंड ये थोड़ा सा मुझे चीप पड़ता है, मतलब दूसरे ट्रांसलूसेंट पाउडर के हिसाब से, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, एंड इट्स गुड एज वेल. बहुत ही अच्छा फिनिश भी मिलता है. अभी हम लगाएंगे कलर्स अपने आईलिड्स पर, और मेरे पास है यहाँ पे दो आई शेडो, जिसमें कि जो जो कलर्स मुझे चाहिए वो अवेलेबल है उसमें. बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिलैरी रूडा का, क्योंकि उसके अंदर पर्पल कलर है, जो पर्पल कलर मुझे चाहिए, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ है. सो आई एम यूजिंग दैट वन. नाउ दिस पैलेट इज पिगमेंटेड बट नॉट
हेल पिगमेंटेड. सो मैं बोलूँगी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड कोई पैलेट है तो आप उसे यूज़ कीजिए, बिकॉज इस आई लुक को क्रिएट करने के लिए यू विल नीड मोर इंटेंसिटी ऑफ द कलर. सो मेरे पास तो उतना अच्छा आई पैलेट नहीं है, सो आई होपफुली मैं खरीद लूँगी कुछ टाइम बाद. आप स्ट्रोक्स फॉलो कीजिए, वीडियोस में आपको पता चलेगा कि कैसे यू नो अप्लाई करना है इसे. थोड़ा सा मैं सर्कुलर मोशन में आउटर कॉर्नर मतलब आउटर आईलिड में यूज़ कर रही हूँ, एंड उसी को मैं घुमाते घुमाते मतलब थोड़ा ब्लेंड करते करते मैं उसको अंदर ला रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इन द वीडियो. एंड सेकेंडली मैं यूज़ करूँगी ये वायलेट कलर जो कि है थोड़ा सा वाइब्रेंट, उसको मैं फिर से यूज़ करूँगी उसी के ऊपर जहाँ पे मैंने अपने पिछला वाला कलर लगाया था उसी के ऊपर मैं उसको डिपॉजिट करूँगी वैसे ही स्ट्रोक्स में जैसे मैंने पहले यूज़ किया था. नाउ वी विल नीड अ काजल एंड वी विल ड्रॉ अ नीट लाइन इनटू आवर अपर लैश लाइन, एंड उसके बाद मैं उसको ब्लेंड कर दूँगी. बट मेक श्योर जब आप ब्लेंड कर रहे हो कोई भी स्मॉल ब्रश के मतलब हेल्प लेके, तो आप वो कलर जो आपने पर्पल वाला कलर लिया था उसको आप पिक कीजिए एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग इट, तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा एंड आपका सारा कलर जो है वो चला भी नहीं जाएगा. एंड मेक श्योर टू यूज़ अ काजल विच इज़ यू नो ब्लेंडेबल. बहुत सारे काजल्स होते हैं जो बहुत स्मज नहीं होता है बिल्कुल भी, तो आप ऐसा काजल यूज़ कीजिए जो थोड़ा स्मज जल्दी होता हो या फिर ईजिली होता हो. Now I'm going to take this red color and इसको मैं बहुत हल्के से अपने क्रीज लाइन में अप्लाई करूँगी. आप देख सकते हो बहुत ही लाइट स्ट्रोक्स के हेल्प से, ताकि मुझे वो वाला कलर मिल सके जो मैं चाह रही हूँ. Now the next thing you will need is a blue liner. Yes, blue liner या फिर blue काजल. मैं यहाँ पे use कर रही हूँ blue eye pencil जो कि है from My Glam and it is pigmented and बहुत अच्छा काजल है. आप इसको खरीद सकते हो. थोड़ा सा यू नो ड्राई फॉर्म में है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूदली ग्लाइड नहीं होता है आपके आईज़ में, थोड़ा सा यू नो टाइट है या फिर कह सकते हो थोड़ा सा ड्राई काजल है. अप्लाई हो जाता है, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. सो जैसे कि आप देख सकते हो इसको मैंने अप्लाई कर लिया है. एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अपने वाटर लाइन में काजल. नाउ जहाँ पे मैंने ब्लू काजल लगाया था उसको मुझे थोड़ा सा ब्लेंड करना है, थोड़ा सा यू नो ब्लेंडेबल लुक देने के लिए. Now we will need a highlighter to highlight our brow bones, inner corner and so on. अपने eye looks को थोड़ा सा you know ज़्यादा क्या बोलते हैं यार पॉप आउट करने के लिए हमें चाहिए होगा हाइलाइटर, तो आप यूज़ कर लीजिए. बहुत सारा हाइलाइटर उसने यूज़ किया था, मैंने नोटिस किया था. नाउ टू कम्प्लीट माई आई लुक आई हैव यूज हेयर फॉल्स लैशेज. आप चाहो तो आप बहुत सारा कोट लगा सकते हो अपने मस्कारास के, अगर आपके पास फॉल्स लैशेज नहीं होते हो तो. बट अगर आप बोल्ड लुक्स कर रहे हो ना, बोल्ड आई लुक्स, तो फिर वहाँ पे आप जब फॉल्स लैशेज लगाते हो तो आपकी आई लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है. चलो वी आर डन विद आवर आई लुक एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फेस मेकअप. नाउ टू क्रिएट माई बेस आई एम यूजिंग हेयर प्राइमर फ्रॉम NYBE एंड इट इज़ रियली 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 वेरी 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 ब्यूटिफुल प्राइमर, वन ऑफ माई फेवरेट प्राइमर. यू शुड यूज इट, यू शुड ट्राई इट. इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर एंड आई लव्ड इट. सो हेयर आई एम यूजिंग माई सिलिकॉन क्या बोलते हैं उसको ब्लेंडर. ये एक्चुअली मुझे ये रिसीव हुआ था, वो मेरे ब्लू ब्रश नहीं थे जो मरमेड ब्रश मैंने मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे भी, तो उस ब्रश के सेट्स में मतलब सेट में मुझे ये सिलिकॉन ब्लेंडर मिला था. आई डोंट नो इसे कैसे यूज़ करते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया. सो मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ एंड रियली इट इज़ वेरी 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 बैड. ओके, आपका फाउंडेशन ब्लेंड ही नहीं होगा और ऊपर से जो ब्लेंड मतलब जैसा ब्लेंड होगा ना, अगर आप वैसे जाओगे बाहर तो आपको सब कोई मतलब क्या बोलते हैं बोलेगा भूत आ गया. तो डोंट यूज़ इट. सिलिकॉन ब्लेंडर्स मुझे पता नहीं कैसे होते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट ये वाले तो बहुत ख़राब थे. एट लास्ट मुझे अपने ब्रश का यूज़ करना ही पड़ा. एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे शुगर का ये कॉन्टोर पैलेट, तो यहाँ पे मैं ये ब्राउन वाला शेड लेके कॉन्टोर कर दूँगी अपने फेस को. फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्लश वही सेम पैलेट से लेके, एंड उसी के कॉन्टोर के जस्ट ऊपर ही मैं ब्लश करूँगी मतलब ब्लश अप्लाई करूँगी. द लास्ट वी हैव टू यूज़ दी हाइलाइटर. तो हाइलाइटर के लिए यहाँ पे मेरे पास वही सेम पैलेट में से मैं हाइलाइटर को लूँगी एंड उसको मैं अपने चीक बोन्स में अप्लाई कर दूंगी. देन मेरे नोज़ के मतलब ब्रिज ऑफ माई नोज़ में यूज़ करूंगी.
मेरे थोड़े से फोरहेड में यूज़ करने वाली हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने चिन पे भी यूज़ की हूँ एंड मेरे लिप्स के क्यूपिड बो में भी। आप भी कर लो, जहाँ पे आपके हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर लीजिए आप इस हाईलाइटर को। एंड यस, मैं नोज़ कॉन्ट्रोल करना भूल गई थी, तो फिर मैं फिर से यहाँ पे नोज़ कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में। एंड लास्टली आई हैव माई लिपस्टिक फ्रॉम माई ग्लैम अगेन। सो ये है माई ग्लैम का सैटिन लिपस्टिक्स, ठीक है, ये मेरे पास बहुत सारे हैं, तो फिर इसका भी मैं रिव्यू करने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, स्टे ट्यून गाइस। तो मैं यहाँ पे जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पिंकिश एंड यू नो पिंक, फुल पिंक नहीं है, पिंकिश रेडिश काइंड ऑफ नियॉनिश पिंक्स कह सकते हैं। So here it is, our makeup is done and आप बताओ मुझे कैसी लग रही हूँ मैं। अगर अच्छी लग रही होंगी तो फिर मुझे कॉमेंट में थोड़ा सा बता देना, मुझे भी थोड़ा मन करता है कि कभी कोई तारीफ कर दे। बट जो भी है, अगर पसंद आया होगा मेरे लुक, मतलब मेरी ये वीडियो या फिर मेरी ये लुक, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, कॉमेंट भी कर देना एंड शेयर कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।